खबर रीवा जिले से है, जहां जवा तहसील अंतर्गत बवंधर में राधे श्याम यादव पिता विंधेश्वरी यादव की पुस्तैनी जमीन है, जिसमें खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वहीं पीड़ित किसान ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व में सुधा देवी पत्नी मनोज कुमार ने 6 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी, परंतु मनोज कुमार स्टाम्प पेपर पर फर्जीवाड़ा कर अधिक जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जो किसान को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। किसान के द्वारा बताया गया कि आए दिन उससे झगड़ा करने पर उतारू रहते हैं, जिसकी शिकायत जवा थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं पीड़ित किसान ने बताया कि वह अपने पट्टे की जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहा था, तब तहसीलदार चंद्रमणि सोनी ने पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा निर्माण पर रोक लगा दी, जिस पर पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में बताया गया कि राधेश्याम यादव द्वारा जिस भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वह जमीन रिकॉर्ड के मुताबिक राधेश्याम की ही है, जो निर्माण अपनी निजी भूमि पर कर रहा है। वहीं मनोज कुमार द्वारा फर्जीवाड़ा कर किसान को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और अब पीड़ित कलेक्टर से न्याय की गुहार लगा रहा है। आइए सुनते हैं पीड़ित किसान क्या कह रहा है। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम राधेश्याम यादव। क्या समस्या है आपको और क्या मामला है आपका? मामला कुछ नहीं है सर जी, ये हमारी जमीन है। हाँ। ये 77 डिसमिल यानी 312 आरे होता है, तो 77 डिसमिल जमीन थी, इसमें हमने 6 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री किया दूसरे नाम, ये सुधा देवी मौर्य काछी। तो अब वो चाहते हैं जबरदस्ती कि मतलब हम और जमीन दें उनको, जबकि लीगली 15 डिसमिल उन्होंने हमसे लिखवाया 3 साल पहले, कोरोना पहले अक्टूबर नवम्बर में। और बोले कि ठीक है भाई, हमने कहा चलो ठीक है 15 लाख का 15 डिसमिल हम देंगे। फिर इन्होंने सर क्या किया कि सिर्फ इन्होंने हमसे 6.25 डिसमिल जमीन खरीदा 6.25 लाख में, जिसकी रजिस्ट्री प्रूफ है, उसमें कोई लेन देन नहीं किसी प्रकार ने। आज हमको ये ब्लैकमेल टाइप में करते हैं, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देते हैं कि भैया हमको और ज़मीन दो। दूसरी बात ये कहते हैं कि नहीं दोगे तो तुम्हारे को मारेंगे, गाली देंगे। जवान लड़की 18 साल की, उसको बोलता है कि उठा ले जाएंगे। ये कोई तरीका है सर जी इस तरह का कि कोई किसी का रजिस्ट्री कर देता है तो उसको और ब्लैकमेल करता है, यानी मारने दौड़ता है। 2 बार, एक बार रिपोर्ट भी हमारे पास थाने में है, इन्होंने मारने भी दौड़े हमारे घर में अंदर, हम दरवाज़ा बंद करके रुक गए, हमारी बीवी आई, उन्होंने ब्रेक लगाया, नहीं लाठी पकड़ा, नहीं तो जान से मार देते हम। अब क्या चाहते हैं आप? सर हम कुछ नहीं चाहते, जो तहसीलदार सोनी जी हैं जवा तहसील के आपके रीवा डिस्ट्रिक्ट के, तो सर इन्होंने अवैध जबरदस्ती पैसा ले देके 20-30 हज़ार जैसे कि हम नहीं जानते भ्रष्ट होके इन्होंने हमारे ज़मीन को अवैध लिख दिया, जिसका प्रूफ आपके पास कागज़ हमने दे दिया सर, और पटवारी प्रतिवेदन है सर, इसमें साफ साफ लिखा है कि इसका अन्य ज़मीन में इसका है ही नहीं है 6 डिसमिल के अलावा, सिर्फ 6 डिसमिल इसका रजिस्टर्ड किया राधे साहब ने, शेष इसे कोई लेना देना नहीं, इसका कोई कहीं अभिलेख भी नहीं है रिकॉर्ड में। अब बताइए सर इस तरह का ब्लैकमेल करता है सर, अब क्या करें? ये मान लीजिए स्थिति मेरी पैदा हो गई, अब 47 ईयर का हूँ मैं, बताइए ऐसा आज बुढ़ा 55 साल का खसाट कर दिया, और 1.5 साल से हमको शारीरिक प्रताड़ना दे रहा मानसिक, बताइए सर क्या करें? सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।